लगता है गाजीपुर के लोग अब धीरे धीरे कोरोना वायरस के साथ रहना सीखने लगे हैं। तभी जन प्रतिनिधि भी अब सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं। सोमवार को कुछ ऐसा ही नजारा जमानिया विधानसभा में देखने को मिला। जमानिया विधायक सुनीता सिंह राज्य सड़क निधि से बन रही सड़क और नाले पर बन रहे पुल का जायजा लेने के लिए सोमवार को बाहर निकले। आपको बता दें कि राज्य सड़क निधि से 1,91,00,000 की लागत से रक्साहा काली मंदिर से बगेसरी गांव तक पिच सड़क और नाला पर पुल बन रहा है। सोमवार दोपहर विधायक सुनीता सिंह ने इसका निरीक्षण किया है। उन्होंने मौके पर मौजूद अपर अभियंता को तय समय में कार्य पूरा करने के साथ साथ काम की गुणवत्ता बनाए रखने का भी निर्देश दिया। विधायक सुनीता सिंह ने दावा किया है कि सरकार से मिले बजट के अनुसार जमानिया विधानसभा में सड़कों के निर्माण और मरम्मत का कार्य जोरों पर है और उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकार में सड़कों के नाम पर पैसे का बंदर बांट हुआ है। उन्होंने कहा कि इस वजह से सड़कों का स्वरूप बदहाल हो गया है। विधायक ने दावा किया है कि प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री ने इस विधानसभा के महत्वपूर्ण सड़कों के लिए धन भी स्वीकृत किया है। इस मौके पर अवर अभियंता एसपी सिंह, शकील खान, राजू खान, बाबर खान, मनीष सिंह, सरफराज आदि लोग उपस्थित रहे। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।